हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म करा था क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का फर्स्ट सम पेपर। अगर वीडियो उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की क्लास में बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सैम्पल पेपर, डेट इज क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक का फर्स्ट सैम्पल पेपर। और बच्चों, जिस तरीके से स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर में 5 सेक्शन थे, इसमें भी 5 सेक्शन है, ए बी सी डी एंड ई। और सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ फाइंड करना है 867 और 255 का। तो 867 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 255 इंटू 3 प्लस 102। नाउ 255 को लिखेंगे बच्चों 102 इंटू 2 प्लस 51। Now 102 will be equal to 51 into 2 plus 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, HCF की वैल्यू हो गई आपकी 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और बस हमें क्या करना है, 2 के एक्सपोनेंट फाइंड करने हैं। तो 2 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 218 जा एंड 29 जा। इसके बाद 2 नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, और डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर 9, 4, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू -2। माइनस माइनस प्लस 4 4 जो 16 प्लस 2 कितना, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 41, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 आर टू लाइन विच आर। अभी हमको दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, अभी हमको बताना है कि ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, परपेंडिकुलर है या इंटरसेक्टिंग है। देखो, ए वन की वैल्यू कितनी है, 2, ए टू की वैल्यू कितनी है, 1, बी वन की वैल्यू कितनी है, 3, और बी टू की वैल्यू कितनी है, -2। क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, और इनका क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखो, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5n-2, देन इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन की वन है, हमको इक्वेशन के रूट दे दी, मतलब अल्फा की वैल्यू दे दी 5 और बीटा की वैल्यू क्या दे दी, -2। तो यहाँ से इक्वेशन बनाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, 5 प्लस -2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 -2 क्या हो जाएगा, 3, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 5 2 10। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो ऑप्शन बी वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंट्रोइड ऑफ द इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट 3, -5, -7, 4, 10, -k इज एट द पॉइंट k-1। तो सेंट्रोइड की वैल्यू गिवन है, तो सेंट्रोइड में बेटा क्या होता है, सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स की वैल्यू x1 + x2 + x3/3, और एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, के गिवन। x1 की वैल्यू क्या है, 3 ± -7 और +10। 3 - 7 क्या हो जाएगा, -4, -4 + 10 हो जाएगा 6, 6 / 3 दैट विल बी इक्वल टू 2। सो ऑप्शन ए वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दो ट्राइंगल के बने ए बी सी एंड डी ई एफ। ए बी की वैल्यू 9 है, बी सी की 6 है और ए सी की 7.5। यहाँ पर ई एफ की वैल्यू की बने 8, और हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। अच्छा, एक कंडीशन और गिवन है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बेटा क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अपॉन डी ई विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो यहां से हम लोग
इजीली डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, 9, 9 डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 9 × 8 / 6, तो 72/6 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 72 को 6 से डिवाइड करने का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर। नाउ AC/DF विल बी इक्वल टू BC/EF, तो AC की वैल्यू कितनी है, 7.5, और DF की वैल्यू हमको फाइंड करनी है इधर 6/8। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DF की वैल्यू हो जाएगी 7.5 × 6/8, तो इसको बेटा कर लेते हैं 2 / 8/6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60 60/6, दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इधर हो गई 12, इधर हो गई 10, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, दैट विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा, इन द गिवन फिगर ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, तो एंगल ADE ये वाला एंगल, ठीक है, ABC के क्या है, इक्वल गिवन है, और हमको EC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो EC को हम लोग लेट कर लेते हैं X। तो देखो, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, क्योंकि एंगल ADE और ABC इक्वल है, तो हमें गिवन ही है, और एंगल EAD और एंगल BAC दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो भी क्या है, कॉमन है। तो अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, तो वो AA की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं AD/AB इज इक्वल टू AE/AC, तो AD की वैल्यू देखो कितनी, AD की वैल्यू है 2, AB की है 5, AE की 3 है, और AC को लिख सकते हैं 3+X, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 = 6 + 2X इज इक्वल टू 15, तो यहां से 2X हो जाएगा आपका 15 − 6 = 9, That will be equal to 4.5. So option A would be the required answer. Next question देखो। Next है आपको BC + BD की value find करनी है। इसमें OC की value कितनी given है, 9, और OB की value है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, tangent is perpendicular to radius. Tangent जो होता है वो radius के ऊपर perpendicular होता है, तो बेटा यहाँ पर right angle बनेगा। तो in right angle triangle OBC, OB का जो स्क्वायर होगा वो OC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। OB के स्क्वायर कितना है, 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, OC का 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस BC का, तो BC के स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ से 225 में से 81 को माइनस करेंगे तो 144 आएगा, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। जो BC की वैल्यू होगी वही BD की वैल्यू होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट इज इक्वल, इधर 12 हो गई, ये भी 12 हो गई, तो दोनों का सम कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू 5/2 गिवन है, cos का थीटा प्लस sec का थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अच्छा, cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो cos थीटा का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा विल बी इक्वल टू 25/4। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अच्छा, कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर 2 बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/4 माइनस 2, दैट विल बी इक्वल टू 25 − 8/4 और 17/4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों, आज के 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं,
अगर आप लोग को इनमें कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में जरूर बताया जाएगा उन्हें। आगे के 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।